कि मैंने क्या उपदेश में कहा है आपको, क्या देना बच्चों को, प्रेम देना बच्चों, शिक्षा, शिक्षण, संस्कार, पाठ याद करना, कीर्तन याद करना, सेवा के कोई कार्य के लिए उनको तैयार करना, ये सब सेकेंडरी है। पाठशाला में सबसे पहले आके प्रेम मिलना चाहिए, क्योंकि भक्ति का मूल ही प्रेम, स्नेहो भक्ति। महात्म ज्ञान पूर्वस्तु सुदृढ़ सर्वतोधिक स्नेह, महात्म ज्ञान पूर्वक सुदृढ़ सर्वतोधिक स्नेह होगा तो भक्ति का विकास होगा, भक्ति का विलास होगा। मैं यहां आने वाली हर बहन बेटी के साथ हंसी मजाक करता हूं और उनके प्रेम से बात करता हूं। क्यों देता हूं? मेरे पास देने के लिए प्रेम ही है। मैं सबसे पहले प्रेम ही दूंगा, फिर भाव का पोषण होगा। पोषण के बिना, भाव की वृद्धि के बिना भक्ति में स्थिरता आने वाली नहीं है। भक्ति तो सबसे ज्यादा चंचल है। लोग कहते हैं लक्ष्मी बहुत चंचल है, लक्ष्मी से ज्यादा सरस्वती चंचल, क्योंकि सरस्वती के आने के साथ वो मद आता है कि बड़े से बड़े लक्ष्मीवान को भी एक ज्ञानी कुछ नहीं गिनता। ज्ञानवान मनुष्य सरस्वती के जिसने साथ लिया है ना, वो अपने ही फाके में रहता है, वो अपनी दुनिया में रहता है, उसको उसको नहीं चाहिए लक्ष्मीवान लोग। और जैसे लक्ष्मीवान और सरस्वतीवान लोग अपने मद में रहते हैं ना, वैसे भक्ति वाला आदमी तो एक अलग ही मस्ती में रहता है, उसको दोनों से ही कोई गरज नहीं होती, ज्ञान से भी और न भक्ति न लक्ष्मी से भी, न ज्ञानम न च वैराग्यम प्राय श्रेयो भवे दिया, एकादश स्कंद में भगवान का वाक्य, न ज्ञान चाहिए न वैराग्य चाहिए, कुछ चाहिए ही नहीं, हमको तो भक्ति प्राप्त हो गई है, हम भक्ति में मदन है मत। पूरा पुष्टि मार्ग आज मर्यादियों को गाली दे रहे, आप मर्यादियों से कुछ हो मत, मर्यादी आप लोगों को त्रास देते होंगे, आप लोग मर्यादी को त्रास नहीं दे पा रहे हो आज भी। मर्यादी तो अपने ढंग से वही कर रहा है जो उसको करना है, क्यों? कहीं ना कहीं उसने भक्ति को पकड़ लिया, उसने भले आचार धर्म को ही भक्ति मान लिया है, ये संभव है कि उसकी गलत फहमी हो, लेकिन वो अपनी गलत फहमी में भी संतुष्ट है और मस्त है। आप सही भक्ति मार्ग में चलने के बाद भी त्रस्त हो तो अपनी साधना प्रणाली का में कोई समस्या चल रही, अपनी उपासना पद्धति में कोई समस्या चल रही, अपने को ढूंढना पड़ेगा। कृष्ण भक्ति के मार्ग में आके, पुष्टि मार्ग में आके, जहां नित्य उत्सव, नित्य सौख्य, नित्य श्री, नित्य मंगल है, वहां हम उदास क्यों हैं? वहां हम सबके फ्यूज क्यों उड़े हुए हैं? हमारे जीवन में उतनी चेतना, उतनी ऊर्जा, उतना आनंद हम क्यों नहीं डिराइव कर पा रहे इन चीजों में से जो हमको प्रॉमिस की गई है वार्ताओं के द्वारा, हमारे इतिहास के द्वारा? आप संशोधन करिए। और आप लोगों को जिनको मैंने एकत्रित आज यहां किया है, मेरा इतना ही कार्य करिए, अपने साथ के लोगों को प्रेरित करिए, आपके पास के, आपके साथ के, आपके लोग, वो भी आपके दो कंठी वाले वैष्णव, आपके परिवार, जैसे आप मेरा परिवार। आज मैंने मेरे परिवार को बुलाया है कि मेरे परिवार के जो सदस्य किन्हीं भी कारणों से रूठे हैं, रूठे मतलब छूटे हैं, उनको वापिस लेके आइए। पाठशाला को बच्चों के स्ट्रेंथ की आवश्यकता नहीं है, बच्चों में तो पांच आदमी, पांच बच्चों की भी स्ट्रेंथ होगी ना तो वो बहुत पावरफुल है हमारे लिए। हम पाठशाला की स्ट्रेंथ बढ़ाने की बात नहीं कर रहे हैं, हम परिवारों में स्ट्रेंथ बना रहे, वैष्णव परिवारों का अपने आप में स्ट्रेंथ बना रहे, इसके प्रयास में लगे हुए, नहीं तो परिवार बिखर जाएंगे। भौतिकवाद की जिस झंझावात में इस समय हम लोग सफर कर रहे हैं, अपन हिंदी के सफर से इंग्लिश के सफर में आ जाएंगे, SUFFER, फिर सफर करना पड़ेगा। तो मेरे कहने का तात्पर्य है कि आप सिर्फ इतना ध्यान दीजिए, पुष्टि मार्ग से कनेक्ट करिए लोगों को, और पुष्टि मार्ग से कनेक्ट करने के लिए सबसे पहले अपनी एक, अगर पाठशाला उपलब्ध है तो उनको प्रॉपर सिलेबस से मार्ग पढ़ाइए। अपना मार्ग आज भी उतना ही आनंद देता है जितना 254 वैष्णव ने लिया, हम उतना ले नहीं पा रहे, हमको लेना आ नहीं रहा। तो मेरा आप सभी लोगों से बस इतना ही कहना है कि पाठशालाओं में जो इनरेग्युलरिटीज हैं, जो अटेंडेंस की कमी आ रही है, स्ट्रेंथ तो आज भी बहुत तगड़ी है, हर पाठशाला में पर्याप्त एडमिशन है और वो फ्लक्चुएट हो रहे हैं। वो फ्लक्चुएट कैसे हो रहे हैं? जो इस शनिवार आ रहे हैं वो दूसरे शनिवार नहीं आ रहे हैं, जो दूसरे शनिवार आ रहे हैं वो तीसरे शनिवार नहीं आ रहे। तो दो शनिवार बाद आने के बाद उनको नहीं मालूम पड़ रहा है पाठशाला क्या कर रही, फिर हम उनके भी रेमेडियल क्लासेस करा रहे हैं कि नहीं भाई उनकी जो चीज छूट गई है वो पूरी करें,
लेकिन मैं वापिस ये कहना चाहूंगा, पुष्टि मार्गीय बच्चे जो पढ़ने आ रहे हैं वो इतने बुरे नहीं है जितने अभी भी पेरेंट्स खराब है, छोड़ने चालते हैं। ये छोड़ने में चालते वाले जो पेरेंट्स है ना, ये उनके कारण बच्चे को नहीं समझ में आ रहा है कि पाठशाला में हो क्या रहा है, जिसके कारण वो चार पाठशाला बाद आपको यही फीडबैक देता है, मैंने कई समझ में नहीं आउट होते हैं चाले। और तुम भी उसी प्रकार के लोग हो कि तुमने तो कभी जीवन में पाठशाला देखी ही नहीं कि पुष्टि मार्ग को पढ़ा कैसे जाता है। तो तुम भी कहते हो अच्छा ना समझ में आता, कोई बात नहीं, वो बात कर ली नहीं जवान लॉस में कौन गया, संप्रदाय पुष्टि मार्ग लॉस में गया। आपका एक बच्चा पुष्टि मार्ग बराबर नहीं पढ़ा ना, आपका परिवार नहीं गया, आपकी तो कट गई और कट जाएगी। जो लॉस हो रहा है ना वो संप्रदाय को हो रहा है। एक और बेवकूफ तैयार हुआ, एक और मूर्ख पुष्टि मार्गी तैयार हुआ। और आप सोचो कि जब इन अबंडेंस इतना पुष्टि मार्गी मूर्ख समाज तैयार होगा तो हमको उनके गुरु होने पर क्या गौरव रह जाएगा, आप मुझे बताओ। जैसे एक पूरा समाज इलिटरेट हो जाए, अनएजुकेटेड हो जाए, और आप उस समाज का किसी को प्रेसिडेंट सेक्रेटरी ट्रेजरर बना दो तो उसको कितना गौरव होगा। वही परिस्थिति हमारी हो रही, हमारे पास जो परंपरा प्राप्त पूर्वजों की दी हुई विद्या है उसको लेने वाला समाज ही नहीं। तो जब समाज के हम काम के ही नहीं है तो समाज में हमारी भी क्या उपादेयता और उपयोगिता रह जाएगी, ये मैं आपसे पूछता हूं। भाई आपको बीमारी है तो आपको डॉक्टर का की आवश्यकता है ना, स्वस्थ आदमी को किस दिन डॉक्टर की आवश्यकता, जिसके जीवन में लड़ाई नहीं उसको लॉयर की क्या आवश्यकता है, जो प्रॉपरली अपने टैक्सेस भर रहा है उसको पता है मेरे कितने पे क्या करना है कैसे करना है, उसको सीए की क्या आवश्यकता है, जिसका घर सुदृढ़ सुरक्षित एकदम सुंदर ढंग से सुसज्जित खड़ा हुआ है उसको आर्किटेक्ट या इंटीरियर डिजाइनर की क्या आवश्यकता है।